हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी। सो LPS PU मेंस का स्कोर कार्ड आउट हो गया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, एंड इससे हमें कट ऑफ भी पता चल गई है कि कितनी गई है क्या है। सो कट ऑफ मैं आपको पहले बता देती हूँ। जो रीजनिंग की कट ऑफ गई है वो जनरल की 7 है, और बाकी इसकी आप देख सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस की इसकी 4.5, इंग्लिश की 15.5। इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई है, इंग्लिश इजी भी आया था काफ़ी। DI की 2.25 है, काफ़ी कम है। लास्ट ईयर तो काफ़ी गई थी, शायद 8-9 था कट ऑफ DI का, इस बार काफ़ी कम गया है। और डिस्क्रिप्टिव का तो वही जाता है, 10 ही गया है इस बार भी। सो ये तो सेक्शनल कट ऑफ्स थे सारे। बाकी जो ओवरऑल कट ऑफ गया है वो भी हाई है, मतलब जितना एक्सपेक्ट करा जा रहा था 60s में जाएगा, उससे तो काफ़ी हाई गया है। जनरल का 71.25 गया है। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे चल रहा था 60-65 कितना जाएगा, सब हमें कमेंट्स कर रहे थे उसमें। एंड वैकेंसीज के हिसाब से और पेपर के लेवल के हिसाब से भी लग रहा था कि कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, पर अब 71.25 गया है। तो बस डर ये लग रहा है कि मतलब मेरे मार्क्स जो है वो कट ऑफ से कितने ज़्यादा रहेंगे, अब वो तो इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। बाकी जिनका भी इंटरव्यू है, अब इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। बाकी इंटरव्यू जो है वो फेब में है, होने हैं। जो इसकी दूसरी लिस्ट आई है उसमें, जिसमें सारे रोल नंबर से जिनका सिलेक्टेड है, उसमें लिखा हुआ है कि फेब से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। सो ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से प्रिपेयर करिए। एंड जिनका भी SBI क्लर्क मेंस का पेपर है उनको भी ऑल द बेस्ट। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में है पेपर, सो मैं एग्ज़ाम के बाद एनालिसिस वीडियो बनाऊँगी। ओके।